नमस्कार, सूजस के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर पारिक। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने, योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने, योजनाओं के संबंधी जागरूकता और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का अवलोकन करने पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कैंप में आम जन से बातचीत भी करते हैं। साथ ही आम जन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर पात्र अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को अग्रणी राष्ट्र में शामिल करना हमारा उद्देश्य है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उस अंत्योदय को लेकर के चल रहे हैं। कोई भी पात्र व्यक्ति हमारी किसी भी योजना से वंचित नहीं रह पाए। कोई भी व्यक्ति जिसको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ से किसी प्रकार से रह ना जाए, इसकी चर्चा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, ये पूरे देश की हर ग्राम पंचायत, हर नगर निकाय से संबंधित भारत सरकार की समस्त योजनाओं को जागरूकता से बढ़ाने की शुरुआत का ये राष्ट्रव्यापी अभियान है। इस यात्रा का उद्देश्य उस वंचित वर्ग तक पहुंचना जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र है और अभी तक वो लाभान्वित नहीं हुआ है। इस यात्रा की मदद से हरेक गांव ढाणी योजनाओं के बारे में लोगों की जागरूकता भी करना है, ताकि उस वो आकर के उन योजनाओं का लाभ ले सके। आज प्रस्तुत है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभार्थियों की कहानी, जिन्हें इस योजना के जरिए आर्थिक सहायता मिल रही है। मैं सुखराम सैनी करसटे ग्राम नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमका थाना का रहने वाला हूं। मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समय समय पर मिल रही है, मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। मेरा नाम सुजान सिंह है, मैं ग्राम पंचायत लंगड़वास से तहसील किशनगढ़वास जिला खैरतल तिजारा का वासी हूँ। और मोदी जी की पीएम सम्मान किसान निधि योजना का लाभ मुझे मिल रहा है, समय समय पर मिल रहा है, 6000 रुपये वार्षिक। मोदी जी का बारंबार प्रणाम। प्रजापत गांव जालरा कल्ला ग्राम पंचायत जालरा कुरद है, और मेरे 2000 रुपये की किस्त भी मेरे को मिल रही है, और मेरे पक्का घर भी मिला है, और पहले कच्चे घर में रहता था और अभी पक्का मिल गया है। बहुत अच्छी काम है, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ मैं। थैंक। मेरा नाम मंगल राम प्रजापत है, पीएम किसान योजना से 2000 रुपये प्रति मतलब 12 महीने में 3 किस्त मिलती है, और इसलिए खाद बीज खरीद लेते हैं हम, और मोदी जी को धन्यवाद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं ग्राम पंचायत माला रिंग सिख का निवासी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना बहुत लाभकारी है। इस योजना से हमारे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से हो रहा है। मैं विश्राम गुर्जर ग्राम पंचायत तालदरी का निवासी हूँ। मुझे केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का तहत मिलने वाले 5 किलो गेहूँ निःशुल्क मिल रहे हैं, राशन डीलर द्वारा निरंतर मिल रहे हैं। इसमें मेरे परिवार का पालन पोषण हो रहा है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं रवि कुमार सैनी सनोप नेत्राम सैनी ग्राम पंचायत तालचड़ी निवासी मालीपुरा ग्रुप केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला 5 किलो प्रति यूनिट निःशुल्क गेहूं मुझे राशन डीलर द्वारा निरंतर मिल रहा है। इससे मेरे परिवार के पालन पोषण में काफ़ी सहायता मिल रही है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ग्राम पंचायत गुंदरसा का रहने वाला हूँ, और गेहूं और गुड पैकेट समय समय पर मिलता है। मैं मोदी सरकार और डीलर से बहुत खुश हूँ। आज के विशेष बुलेटिन में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।